राम राम सारे भाई ना भाई। एक बार फिर वीडियो शुरू होने से पहले एक बार जरूरी बात भाई सुन लो। दरियाव सिंह मलिक यानी कि चंद्रावल फिल्म में खूंडे का रोल करने वाले दरियाव सिंह मलिक का निधन हो चुका है 21 अप्रैल सवेरे 8 बजे। तो उनका गला एक बात पड़ी, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनका मोबाइल चोरी हो गया जिसमें सारे पर्सनल कॉन्टैक्ट थे कलाकारों के। लेकिन जो कलाकार साथी अब कॉन्टैक्ट कर रहा होगा तो उनका नंबर नहीं मिल पा रहा होगा या फिर स्विच ऑफ बोल रहा होगा। तो उन खातिर यह बात है कि स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उनके बेटे हैं जोगिंदर मलिक जो एडवोकेट हैं और बिट्टू मलिक, उनके दोनों बेटे के नंबर मैंने स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। आप उन नंबर पर कॉन्टैक्ट करो और जो भी आपने बात पूछनी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सको हो। तो भैया ये बात आप बताते हैं खेत्र, मैंने शुरुआत में वीडियो लगाई है तो वीडियो ने भाई पूरी देखो। जब तक आप वीडियो ने पूरी नहीं देखोगे पूरी बात का पता नहीं चलेगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और एक बात मेरे को याद है, बाबू जी बोलते थे कि बेटे तब भी मेरी डेथ हो, मैं मरूं तो मेरा हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए, भाई सब देखे तो मेरा चेहरा, कि मेरे चेहरे में वो मेरे मुंह में कोई सीख फंसा देना कि ताकि मेरा हंसता हुआ चेहरा दिखे। हाँ, स्माइल होनी चाहिए फेस के ऊपर। तो हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाबू जी का लास्ट मोमेंट पर चेहरा एक हंसी स्माइली फेस पहले दिख जाएगा इंसान ने एक्सपायर होने से पहला कि मेरा लास्ट टाइम है रहा, तो कुछ ऐसी बात बोल कर रहे। वो बेटे मेरे को बोला था मैं जाने वाला हूँ, बच्चों को बुला लो गाँव से, उनका दिक्कत थी थोड़ी, लैटरिन की दिक्कत थी, पेशाब की तो थी ये थी। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों का मनजीत भारद्वाज की ओर तरह राम राम। दोस्तों फिलहाल बैठे हैं मैं गांव उबरी खेड़ी उगरा खेड़ी पानीपत के पास में, और आपने देखे होगा पता भी चल गया होगा दरियाव सिंह जी मलिक, जिसको आप चंद्रावल फिल्म के रोंडे होने के नाम से भी जानते हो, कल यानी कि 21 अप्रैल ने उनका निधन हो गया तकरीबन सुबह 8 बजे जी 8 बजे। तो आज उनके गांव में पहुंचे, मेरे साथ माता जी बैठी है और उनके लड़की ध्रुवधु बैठी है, तो उनसे बातचीत कराएंगे। तो राम राम माता जी। राम राम बेटा। राम 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 राम। तो माता जी कैसे कैसे एक्सपायर हुए सर जी? ये बेटे 1 महीने से ज़्यादा बीमार चल रहे थे, बीमार तो वैसे पहले भी थे, 1 महीने से ज़्यादा थे ये, खाना खुना नहीं खाए थे, जूस पिए थे, हॉस्पिटल में ले गए बीच में, अब कर ले गए टेस्ट करवाए, फिर बेटे ये ठीक नहीं हो पाए। हाँ, बहुत अच्छी मेहनत करी इन्होंने जिंदगी में, परिवार को बहुत अच्छी तरह से संभाले रखे। कौन सी उम्र थी सर, कौन सी उम्र होगी थी? इनकी 84 उम्र थी बेटे, 84। हाँ 84 बेटे। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। किस बीमारी थे और कौन सी बीमारी होगी थी सर? बीमारी तो बस कोई खास नहीं थी, बस थोड़ा सा पेट की ही थी प्रॉब्लम, नहीं ऐसी कोई मेजर डिसीज नहीं थी। हाँ कोई मेजर कोई मेन वो बोलें तो कोई ऐसा नहीं, बस पेट ही की वो थी ज़्यादा प्रॉब्लम, कि खाना छोड़ दिया था अब। हाँ 10 दिन से तो खा नहीं रहे थे कुछ भी, बस हाँ बस ये 10 ही ज़्यादा, हाँ महीने से बट 10-15 दिन से खाना छोड़ रखा था। हाँ बस पेट में दर्द था, उनके पेट में दर्द बोल रहे थे कि पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा। उम्र कितनी हो गई थी जी? 84 साल, अब जुलाई में हो जाते 85 साल के हो जाते। हाँ और उनको अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना मनाना इतना वो पसंद करते थे ना, केक मंगवाते थे, सुबह बोलना स्टार्ट करते थे बेटे आज पूरियां बनाइयो, ये बनाइयो, उनको बड़ा था, जैसे छोटे बच्चे एक्साइट होते ना अपना बर्थडे वाले दिन, तो बाबू जी भी ऐसे ही बड़े एक्साइट होते थे, एक्साइटमेंट होती उनकी कि आज हलवा बनाइयो पूरियाँ बनाइयो ये खाइयो वो करियो, तो उनको बड़ा होता था। और एक हंसमुख और हंसे, और एक बात मेरे को याद है बाबू जी बोलते थे कि बेटे तब भी मेरी डेथ हो मैं मरूं तो मेरा हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए, भाई सब देखे तो मेरा चेहरा, कि मेरे चेहरे में वो मेरे मुंह में कोई सीख फंसा देना कि ताकि मेरा हंसता हुआ चेहरा दिखे। हाँ स्माइल होनी चाहिए फेस के ऊपर। तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाबू जी का लास्ट मोमेंट पर चेहरा एक हंसी स्माइली फेस था। हाँ जी उनका एक बिल्कुल ऐसे जैसे हंसता हुआ चेहरा था लास्ट, उसमें भी देखा। तो भाई आप देख भी सको, जितनी भी प्रोग्राम की वीडियो पावेंगी इंटरव्यू पावेंगे सब में चेहरा हंसता हुआ मिलागा। और जैसे कि बताया है कि जब उन्हें एक्सपायर हुए, जब उनका आखिरी टाइम था, तब भी 1.5 घंटे तक उनके चेहरे पर स्माइल थी। तो और कौन सी सी बात है माता जी आपका याद जो आज भी चाहे? इन्होंने 19 फिल्म बनाई, मेहनत करके बनाई बेटे।
और मेरे डैडी की मारुति बंबई गए थे, ये यश चोपड़ा की डेथ हो गई थी बीच में, ये वापिस आ गए थे, फिर दोबारा गए, तब इन्होंने फिल्म पूरी करी, बड़े साहब की भूमिका इन्होंने निभाई थी। स्टार्टिंग कौन सी फिल्म तक करी थी? स्टार्टिंग करी थी चंद्रावल से, फिर फूल बदन पन घटे एक और 11 छोरी छपेरे की फेमस ज्यादा हुई थी रूंडे खुंडे के नाम से। रूंडे का रोल था सर का या खुंडे का रोल था? इसमें खुंडे का था बेटे, हाँ रूंडा वो था नसीब, नसीब सिंह टटोली वाला, नसीब कुंड। तो अब आगे और क्या सोचिए, मतलब जब उसको आप वहाँ पर लेके गए कुछ ऐसी बात बोली हो कि बेटा मैं आज मेरा कुछ मतलब पहले दिख जाएगा इंसान ने एक्सपायर होने से पहला कि मेरा लास्ट टाइम आ रहा, तो कुछ ऐसी बात बोल कर रहे? वो बेटे मेरे को बोल रहा था कि मैं जाने वाला हूँ, बच्चों को बुला लो गांव से, उनका दिक्कत थी थोड़ी, लेटरिन की दिक्कत थी, पेशाब की तो थी ये थी, फिर बेचैनी होगी उनको 5 बजे, मैंने सारे बच्चे वहाँ बुला लिए हॉस्पिटल में, फिर बस बेटे ऊपर से डॉक्टर आया, इनका चेक चुक कराया, कहने लगे भाई बेचैनी की गोली दे दो, वो नींद के नीचे गई, ब्लड प्रेशर की दी, वो नींद के नीचे गई, बस फिर तो इनको सांस टूटना शुरू हो गया बेटे। हाँ बच्चे रोने लगे, भाई रो ना, इसको हंसी खुशी घर ले चलो, जब तक उनके सांस चल रहे थे बस रास्ते में वो ख़त्म हो गए बेटे। हाँ एक लास्ट ये भी वर्ड था उनका कि भाई जो गेस्ट आई उनकी अच्छे से आदर सत्कार किया जाए, कि कोई भी बिना खाए पिए ना जाए, और जितने भी गेस्ट हों, और हम कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए क्योंकि कल जो बाबूजी की अंतिम क्रिया थी तो उस टाइम में पहुंच नहीं पाए उनके जो दोस्त थे, या भी क्योंकि बाबूजी का फ़ोन चोरी हो गया था हॉस्पिटल से 3 दिन पहले। हाँ जी, तो अब डायरी से निकाल लेंगे, फ़ोन करेंगे उनके जो भी दोस्त हैं, कर रहे होंगे फोन, बाकी फोन ये जो नेट पर डला है बेटा। हाँ जी, वो और जो बार बार कॉल, कल भी मीडिया आई थी अखबार में डाल रखे काफ़ी, तो उनको पता लग गई, वो आज भी आ रहे हैं, आएंगे अभी तो किसी के फोन आ रहे हैं। हाँ जी, सभी के बाबूजी के फोन में ही थे नंबर, और देखो वो फोन भी तो बाबूजी के फोन पे ही कर रहे होंगे ना, तो अब देखते हैं या फिर वो खुद या फिर किसी और से कॉन्टेक्ट। बेटा दोनों बहुआ के फोटो और ले लो, दो और हैं, तीन लड़के हैं, तीन पुत्र वधू हैं, दो आने और बुलाऊंगी, उनके भी फोटो साथ में। एक पोता उनका न्यूजीलैंड है, बड़े भाई साहब का बेटा। हाँ जी हाँ जी, देखो जी हम तो पहचान ही बाबूजी से है हमारी, क्योंकि हमें नहीं जानते बल्कि बाबूजी को जानते हैं कि दरियाव सिंह मलिक की फैमिली से बच्चे हैं। तो हाँ जी, VIP लोगों की तरह हमें ट्रीट किया जाता वहाँ, हर चीज़ की फैसिलिटी हर उसकी। तो बाबूजी यूथ फेस्टिवल में जाते थे, हम भी गए हैं बाबूजी के साथ थे, इतना हाँ जी इतना सम्मान मिलता था, और हम खुश नसीब हूँ, मैं हूँ ज़रूर, क्योंकि अगर दरियाव सिंह मलिक की फैमिली में मैं आई हूँ यहाँ, ठीक है। तो बाबूजी की है नेम और फेम दोनों चीज़ हैं, फेमस हैं बाबूजी के नेम से, हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार नाम बताना होता कि दरियाव सिंह मलिक रुंडा कुंडा कि सभी जानते हो, अच्छा आप उनकी फैमिली से हम बिलोंग करते हो। हाँ जी, बहुत खुशी मिलती है हमें इस चीज़ की। हाँ जी, अजय अभी बैठ जाइए साइड, आ जाइए। नमस्कार जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में, क्योंकि इतने अच्छे कलाकार आज अपनी जिंदगी से चले गए, अपने लोगों के दिल से चले गए हैं, दिल में तो रहेंगे लेकिन दुनिया को अलविदा बोल दिया है, तब कैसा लग रहा है? उनके बगैर सुना तो सब कुछ हो गया जी, लेकिन 30 साल से मैं उनको देख रही थी, वो स्टेज शो भी चलाते थे, प्रोग्राम भी करते थे, फिल्मों में भी काम किया, कभी उनको थका हुआ या कभी उदास नहीं देखा, एक्टिव रहते थे। हाँ पूरे एक्टिव थे, घर के काम में भी बाहर भी, एक और सबको यहाँ बाहर बैठ जाते थे, चौपाल में भी बैठ जाते थे, तो सबको हंसाने का ही काम करते थे। अच्छा, कभी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कोई रोता हुआ गया, किसी को हर्ट हो, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं कभी ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। चौपाल के नीचे बाबूजी ने बरगद का पेड़ लगा था छोटा सा, आज वो बहुत बड़ा है, तो बाबूजी बोलते थे, हाँ जी कि बोलते थे अगर जो भी इसकी इच्छाओं में बैठेगा तो कम से कम मेरे को याद रखेंगे, बाबूजी के हाथ से लगाया हुआ पेड़ है ये चौपाल के नीचे, बरगद के नीचे। कुछ अब सोचा कि कोई नाम प्लेट वगैरह ऐसे लगाया जाए कि उसके हाथों से लगे? देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ कुछ, देखते हैं क्या कुछ करेंगे। हाँ जी,
जब आपने बताया कि वो लंबे समय से मतलब बीमार चल रहे 4-5 महीने से, तो उनकी एक्टिविटी कैसी रही? क्योंकि जब इंसान कोई बीमार होगा नहीं, थोड़ा सुस्तीपन सा रहने लग जाए। ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एक्टिव थे लास्ट मोमेंट तक, बिल्कुल एक्टिव, हर चीज़ याद थी उन्हें। हम गए हैं सुबह तब हर चीज़ उनको याद थी, हर चीज़। हाँ, आपकी दम तक भी मुस्कुराए बैठते थे, बाहर बैठते थे, अंदर चले अपने आप चले जाते थे, सबके सर पे हाथ रख के गए, आशीर्वाद दे के गए। सब उनके साथ थे उस टाइम? हाँ जी, जब उनके प्राण निकले तो हम उनके साथ थे। तो बाहर बैठे रहते थे भाई, हम भी उस दिन आए थे इंटरव्यू, बाहर ही बैठे मिले थे हमें भी। वो बाहर बैठ जाते थे, अपने आप अंदर चले जाते थे। अभी तक तो घूमते फिरते थे खूब अच्छे, चौपाल में भी बैठते थे, हर किसी से अच्छे से बात करते। नई पुत्र वधु आई थी परिवार में, उसको भी आशीर्वाद दिया, उससे भी बात की उन्होंने। और ईसा भी सुन रहे कि जब उसको आप लेके जाने लग रहे थे उस हॉस्पिटल में, तो उन्हें बोल ले भाई मैं तो अपने आप छोड़ूंगा उसमें, गाड़ी मैंने सारा ना दो। हाँ, तब तक वो अपने आप ही चले जाते थे, रूम तक अपने आप ही गए थे। और हाँ, लास्ट वर्ड भी उनका एक क्या था कि गांव गांव में चलो। गांव से इतना लगाव था बाबूजी को, क्योंकि शूटिंग के लिए जाते थे बॉम्बे। मैंने बल्कि एक दिन बोल दिया था कि बाबूजी आप भी, बाबूजी के जो फ्रेंड्स हैं वहीं रहते हैं, उनकी कॉल आती हैं कि आप भी वहीं ना शिफ्ट हो जाते, फिर बाबूजी को अपना कल्चर जो आपने ये हरियाणवी और यहाँ का विलेज का गांव का था ना, वो बड़ा लगाव था बाबूजी को गांव से। हाँ जी, तो गांव वाले तो कट्ठे हो जंदे होगा, रात नागा बैठ जंदे होगा कि बातचीत चलती होगी पूरी। वो चौपाल में बैठे रहते थे ज्यादातर, चौपड़ खेलते थे, उनके फ्रेंड्स थे वो वहीं पे बैठे रहते थे, बल्कि 2 बजे उनको मुश्किल से उठने देते थे। जब से वो रिटायर हुए थे घर में रहते थे तो बड़ी मुश्किल से उठने देते थे। उन्होंने खुद रिटायरमेंट अपना लिया था और वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में थे। शुरू से उनका इसी तरफ रुझान था, वो पहले स्टेज शो चलाते थे, उनकी ड्यूटी भी होती थी और गांव गांव जाके जो नई परियोजनाएं निकलती थी सरकार की उनके बारे में बताते थे, फंक्शंस करते थे, तो काफ़ी कुछ था उनके अंदर। उसी से उनका रुझान ये फिल्म की तरफ हुआ था। गामने जी बहुत प्राउड फील होता कि मारा गांव उगरा खेड़ी में था, एक बहुत बड़ा बॉलीवुड में चला गया। उन्हीं के नाम से जाना जाता उगरा खेड़ी गांव। अच्छा, हाँ जी, रुंडा खुंडा का गांव जो दरियाव सिंह मलिक का गांव उगरा खेड़ी, उन्हीं के नाम से जाना जाता। हम तो बहुत पीछे लग गए थे पुछन जी की, मैंने उनके घर पे जाना था, खुद यहाँ तक छोड़ गए हैं कि मैं बता कहूँगा गाड़ी। हाँ। यहाँ पे कोई बरात आती थी तो पहले सारी बरात हमारे घर तक आके देखते थे कि भाई उनको देख के आना दरिया किसी के घर आते, तो बाऊजी का एक चुटकुला होता था कि हम आपको देखने आए हैं। बाऊजी बोलते थे कि टाइम पे तो देखा नहीं मेरे को, आप देखने आए हो। मजाक हुए पता चल जाएगा भाई इस गांव का रुंडा खुंडा है तो जरूर आएगा मिलने। आते थे, अब भी आते थे बहुत। हाँ जी, लेकिन किसी भी के यहाँ फंक्शन हो तो जरूर बाबूजी से मिलने आते थे। अब कितनी कमी महसूस होने लग रही है जब वो अपने बीच में नहीं रहे? हाँ जी, देखो कमी तो रहेगी, हमेशा रहेगी उनकी कमी, बट यही है कि उनकी अब इतनी एज हो चुकी थी और हर चीज़ से परिवार भी खुशहाल है, हर चीज़ छोड़ के गई हैं सबके लिए, तो देखो कमी तो महसूस रहेगी उनकी हमें। वही जी, तो माता जी कितने लड़के और लड़कियाँ आपके? मेरे पर 3 लड़के 2 लड़कियाँ बेटे। अच्छा, पोता है न्यूजीलैंड में रहता है, बड़ा लड़का है एलडीको में रहता है, रोडवेज में लग रहा है, बीच वाला वकील है, छोटे वाला अपना बिजनेस करता है। 2 लड़के इस पे हैं, 1 लड़का बीच वाले पे। तो आपको कोई ऐसी बात याद हो जो पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हो, कुछ ऐसी बात बता दे आप कदे? बस बेटे माँ तो के है, हम यूँ कहें उसके लिए भाई सब नहीं, सारी जनता नहीं दुख है, परिवार ने तो है ही है। के लिए बहुत काम करते थे, बहुत नई यूथ को चाहते थे हरियाणा में, जैसे वो काम करते थे ऐसा नया यूथ निकले, कल्चर को नए बच्चे ऐसे निकले जो उनकी इस कला को, हास्य अभिनेता की जो कला थी और जो फिल्मों में काम करते उसको आगे ले जाएं और भी बच्चे इस लाइन में आए। उनका ये बहुत सब, काफी लोगों को हेल्प भी करते थे वो। मतलब बॉलीवुड से कोई कलाकार आया वैसे कोई मिलने अभी? अभी इसी टाइम? हाँ। अभी तो बहुत कम लोगों को पता चला, बहुत से लोग अभी तो कॉल ही आई है, पता चला है लोगों को। मोस्टली जो न्यूज अखबार में आई है उससे तो अब लोगों के कॉन्टेक्ट जो भी हैं, फोन आना स्टार्ट हुए हैं, इधर उधर से पता चला है। फिर वही मेन रीजन वही है ना कि बाबूजी का फोन गुम हो गया, तो उसी फोन पर आते होंगे फोन। हाँ जी, तो देख लो भाई, अगर कोई भाई इस इंटरव्यू देखने लग रहा है, वो भाई इस इंटरव्यू देखने लग रहा है जिस तो फोन उठाया है, तो बस तो यार रिक्वेस्ट है भाई इन तीस मैं तो नंबर चाहिए, चाहे फोन तो रख लिए उसमें सिम निकाल के नगर पे गिर जाओ, ठीक है जी। या फिर दूसरा नंबर बता दो किसे, 9812600101 उनके बेटे का नंबर है। एक नंबर और है 9812004040।
हाँ जी 98 120 12 440 इनके दोनों बेटे हैं, उनके नंबर हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो देख लो भाई, सारे कलाकार सारे सिंगर और एक्टर भी मेरा आप इंटरव्यू देखते हो, अगर आपने उनसे मिलना है तो नंबर भाई आप स्क्रीन पर देख सको हो। स्क्रीन पर नंबर जो मिलेंगे उनके दोनों लड़कियों का नंबर है, उन पर आप कॉल करके आ सको, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो उनका मोबाइल था वो हॉस्पिटल में चोरी हो गया है। हाँ जी, तीसरी पुत्र वधू ये है, ये करेंगे, ये सबसे इनका छोटा पोता जो 17 साल बाद हुआ, 17 साल बाद हुआ। उनकी लास्ट इच्छा थी कि मेरे पोते हो। जी तो आप बताओ अपने थोड़े क्या एक्सपायर हुए उनके बारे में थोड़े। बस बहुत भावुक मन है, बहुत मिस कर रहे हैं उनको, और हमारी धरोहर थी वो। अच्छा, ये आपको 17 साल बाद हुए। हाँ जी, और उनकी ये इच्छा पूरी होगी, मेरा दिल बहुत खुश है कि हम उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर पाए। यही कहना है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बोलता पड़ा है, कल लेट रहे थे, औरतें बैठी नहीं, बोले दादा सो रहे चुप, दादा सो रहे चुप। कहाँ गए दादा? दादा बताओ कहाँ गए? दादा भगवान जी के पास। दादा हुक्का कैसे पीते थे बेटे? ऐसे पीते थे। अरनी को लव यू कैसे करते थे दादू, बताओ जरा। ये रख दे। अरनी को अरनिक दादू लव यू कैसे करते थे आपको? ऐसे करते थे। कहाँ आप दादाजी कहाँ गए बताओ? दादाजी कहाँ? दादी दादी दादी, दादी हैं दादा। अच्छा दादू बताओ कहाँ गए? दादू कहाँ गए? दादू बाबूजी के इतने सारे अवार्ड, पता नहीं कितने हैं। हाँ जी, बहुत अवार्ड रखे हैं बाबू जी के, और ये मोमेंट्स वगैरह देखे तो बहुत ही ज्यादा हैं। हमारे अलग अलग रूम पता नहीं सभी, क्योंकि बाबू जी के 5-3 बेटे हैं और 2 बेटियां, सभी के घरों में रखे हैं वो, सब ले जाते थे जो भी जिनको पसंद आता था। हाँ जी, हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हम उनके बच्चे हैं, हम उनके साथ जो टाइम हम बिता पाए, बहुत हम लकी हैं। आपको जब पता चला कि आप उनके लड़कों की पत्नी बनने वाले, तो उस टाइम कैसी फीलिंग आई थी कि हम घुंडे घुंडे घर में जा रहे हैं? बहुत गर्व किया था कि एक ऐसी फैमिली में जा रहे हैं हम। अच्छा, बहुत गर्व ऐसा लग रहा कि मैं भी। हाँ जी हाँ, कि हीरो की फैमिली में जा रहे हैं हम भी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील किया था। तो दरिया सिंह ज्यादातर इसके साथ ही खेलते थे, बहुत प्यार करते थे इससे। ये अगर थोड़ी देर नहीं आता तो ये बोलता था कि उसको लेके आओ। अच्छा, मेरे पास लेके आओ। ये थोड़ी देर नहीं जाता था, लास्ट हॉस्पिटल में भी ये इच्छा थी कि अर्निक को लेके आओ मेरे पास। लास्ट टाइम में भी इसको देख के मुस्कुराए, जाते वक्त भी जब उनकी सांस छूट रही थी तब भी इसको देख के और इसको पुचकार का मुस्कुराए। याद ये आएगी कि हमने बहुत अनमोल चीज खो दिया कल। तो देख लो भाई, बहुत ही हास्य कलाकार कहीं देख लो, अगर गांव में बैठ गए, चौपाल में बैठ गए, कड़े हम प्रोग्राम करने चले गए, तो एक बीच जो बीच में जनता बैठी हो, यानी कि एक आदमी बीच से उठ का कौन जाया करता। और मेरे साथ उनकी ये 3 पुत्र वधु आपको दिखाई है, ये माता जी मेरे साथ बैठी हुई है, और एक पोता ही आ गया। ये भी पोता है, ये छोटे भाई का लड़का अनु का, इसका फोटो लगवा दो। अच्छा, इसका लगाओ, बोलिए हेलो। बोलना तो सारे बच्चे बुलाए थे, स्कूल में किसी ना भेजो, मेरे पास हॉस्पिटल में मिला के ले जाओ। लेकिन बच्चे स्कूल जा लिए थे बेटे, जाने नहीं पाए, मिलन नहीं पाए बच्चे ना बीच वाले के, मतलब एक 12वीं में है एक 8वीं में है, वो दोनों बच्चे चले गए थे, फिर स्कूल से ही लाए थे उनको। यही है कि जी, यही था कि उनको स्टार्टिंग में बोलते थे कि फैमिली में, अपनी फैमिली में शांति बनी रहे भाई, सभी मिलकर चलो अच्छे से, जो मेरा नाम मैंने अपना नाम कमाया है उसको बरकरार रखना।
ठीक भाई, तीनों भाई अपने सब मिल के रहना सारा परिवार। तो देख ले भाई, अपन जब उस दिन इंटरव्यू कराया उस दिन ही पूरे हंस रहे थे और सब तक एक की बात कर रहे थे कि भाई मिलजुल कर रहा करो। अगर आपने वो इंटरव्यू देखा तो भाई डिस्क्रिप्शन का लिंक में अपना वो इंटरव्यू मिल जाएगा, जाकर देखो। तो भाई ये थी वो बात जो आप तक पहुँचानी थी। तो भाई ऐसे बने रहिए, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।